की करेंसी और प्राइस बॉन्ड्स बरामद। छापे के दौरान तकरीबन 33 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कार्रवाई करते हुए साबिक सरकारी अफसर के घर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और प्राइस बॉन्ड्स बरामद किए गए हैं। मुलजिम की जायदादों के शवाहद भी हासिल किए जा रहे हैं। नैब का कहना है घर से तकरीबन 33 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बताएं कि नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई, 33 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नैब की साबिक सरकारी अफसर के घर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और प्राइस बॉन्ड्स बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम की जायदादों के शवाहद भी हासिल किए जा रहे हैं। नैब ने कार्रवाई करते हुए घर से तकरीबन 33 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। नैब लाहौर की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। साबिक सरकारी अफसर के घर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और प्राइस बॉन्ड्स बरामद किए हैं। इसके अलावा 33 करोड़ रुपए भी बरामद हुए हैं। मुलजिम की जायदादों के शवाहिद भी हासिल किए जा रहे हैं। नैब लाहौर ने बड़ी कार्रवाई की है और एक सरकारी अफसर के घर से तकरीबन 33 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ जायदाद की तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के साथ साथ प्राइस बॉन्ड्स भी बरामद हुए हैं। मुलजिम की जायदादों के शवाहिद भी हासिल किए जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राहिल सैयद से। राहिल सैयद, नैब लाहौर ने बड़ी कार्रवाई की है, तफसीलात क्या हैं? जी तारीख, ये तफसीलात ये है कि नैब लाहौर ने सुबह ये कार्रवाई की थी। ईएमए सोसाइटी और जोर टाउन के इलाके में ये कार्रवाई की गई और साबिक सरकारी अफसर के घर से तकरीबन 33 करोड़ रुपए की जो रकम है वो बरामद की गई है। नैब का कहना ये है कि ये रकम जो है गैर कानूनी तौर पर जो है कमाई गई है और इस वाले से शवाहिद जो है नैब के पास मौजूद है। लेकिन हमारे जराये का कहना यह है कि ये एक बड़े मारूफ मनी चेंजर हैं लाहौर के, जिनके घर पर ये छापा मारा गया है और उनके भाई को भी, जो मनी चेंजर के भाई को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, तो उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। और ये रकम जो उनसे बरामद की गई है, कहा यह जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर जो ये पैसे हैं ये घर में छुपाए गए थे और इसी वजह से नैब ने कार्रवाई करते हुए ये रकम जो बरामद कर ली, जिसमें 10 करोड़ रुपए जो है पाकिस्तानी करेंसी में शामिल है, जबकि बाकी जो रकम है वो फॉरन करेंसी और प्राइस बॉन्ड की शक्ल में जो है वो नैब ने अपने कब्जे में ली है। इस हवाले से मजीद भी तहकीकत की जा रही है और इतलात ये है कि कुछ चंद गिरफ्तारियां भी इस हवाले से की गई हैं नैब को काम की जाने से, लेकिन अभी उनका नाम राज में रखा जा रहा है ताकि मजीद जो कार्रवाई इसके सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। ताहम ये बात कन्फर्म है कि मनी चेंजर हैं लाहौर के बहुत बड़े, जिनके घर में कार्रवाई की गई है और उनके घर से जो रकम है ये बरामद। बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद।